तुलसी जी, क्या आप मानते हैं कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी के बारे में अपना फैसला सुना दिया है और कहा है कि सजा पर जो डिस्कशन है वो 20 तारीख को होगा, ऐसे में हस्ताक्षर अभियान चलाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना, एक वरिष्ठ वकील के तौर पर क्या प्रशांत भूषण जी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तो जिंदगी ही कोर्ट्स में गुजर गई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल, यही आपका जीवन का एक एक, एक बहुत बड़ा वक्त आपने यहां पर गुजारा है, क्या आप ऐसी टिप्पणी को उचित मानते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रशांत भूषण जी ने ये मुहिम चलाई है, लोगों की अपनी अपनी राय है, मगर मेरी राय जो है वो वॉल्टेयर की एक सेइंग है, उसके ऊपर उससे मिलती है। वॉल्टेयर ने कहा है कि आई डू नॉट एग्री विद द वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज बट आई विल डिफेंड टू डेथ हिज राइट टू से सो। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत ओपिनियंस भी एक्सप्रेस हो जाएं तो उसमें हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उसमें the person who criticizes is blessed and so is the person who is criticized blessed। ये बार बार कहा गया है कि judiciary is not immune to criticism और we need to harmonize article 19 with the contempt power। यहाँ तक कि लॉर्ड डेनिंग ने ये कहा है कि we will never use contempt power to uphold our dignity, that must rest on surer foundations। इसी तरह से बार बार ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे मस्ट सफ़र क्रिटिसिज्म, दे आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, ये नहीं है कि। तो दूसरा जो इशू राइज होता है वो ये है कि देयर नीड्स टू बी एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ पे शिकायत पेश की जाए और उसका किसी प्रोसीजर के मुताबिक टाइम बाउंड मैनर में उसका समाधान हो। अभी जो भी कोई शिकायत जाती है उसके बारे में कुछ खबर नहीं मिलती, ना किसी को अधिकार है जानने का कि क्या हुआ उसका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का बिल जो पार्लियामेंट के पास पड़ा है उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर बहस करने की आवश्यकता है।